हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा पोहा कैसे बनता है। पोहा हम लोग खाते हैं कैसे बनता है, तो उसके लिए पहले ये वाला मशीन देखिए। ये इसमें क्या है, इस धान को गरम करता है, उसको अच्छे से सुखाते हैं ये मशीन में। और उसके लिए इसमें आग डालना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है, नीचे आग होता है इसका। और इसमें ये देखिए आग है, और वो दो धान है ना, वो सूख रहा है। और इसको अच्छे से मास्क पहनना पड़ता है, बहुत धूल आता है, डस्ट आता है इसके लिए। और ये मशीन जो है घूमती रहता है आग के ऊपर। ये देखो कैसे घूम रहा है। और इस साइड से जो उस साइड में धान डाला था या चावल जो भी बोलो आप, वो इस साइड से निकल रहा है, देखो सूख के पूरा गर्म होके निकल रहा है इधर से। यह है पहला स्टेप पोहा बनाने के लिए, पहले धान को सुखाना पड़ेगा इस मशीन में। ये मोटर में घूमता है, ये देखिए मोटर लगा हुआ है, मोटर में घूम रहा है ये, और ऐसे ही निकल रहा है इस साइड से। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, ये मशीन आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आप अगर अपना घर में सेटअप लगाना चाहते हो इसको, तो आप देखिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। ये आग को कंटिन्यू रखने के लिए उसमें वुडन जो मिक्सर है, वुड का लकड़ी का गूड़ा बोलते हैं उसको, वो डालना पड़ता है। वो देखो डाल रहा है वो आग पूरा हीट करने के लिए। और ये देखो जब ये चलता है तो ऐसे ही डस्ट पूरा धूल धूल हो जाता है, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है जो भी इसमें काम करेगा या काम करता है। तो मास्क के बिना यहाँ नहीं जा सकते, मास्क जो भी है आपका नाक मुंह ढकना चाहिए। तो उसके बाद ये मेन मशीन है, इसमें ही बनेगा पोहा। यही है मेन मशीन, जो धान उसमें सुखाया उस धान को लाके यहाँ डालेगा। ये देखिए एक बार ठीक से, ये भी कैसे घूम रहा है, सब करंट में होता है, ये काम करंट में ही चालू होता है। ये जो है ना धान इसमें डालेगा, अब एक मिनट आप वेट करो, आपको दिखेगा, देखना। ये देखिए ये डाल रहा है, इसमें धान डाल रहा है, तो ये घूमेगा उसमें। ये धान वही है जो उसमें सूखा के डाला है मशीन में, ऐसे कच्चा धान डालोगी तो कुछ नहीं होगा, खराब हो जाएगा। वो मशीन में डाल के पहले सूखाना पड़ता है, सूखाने के बाद इसमें ये वाला मशीन में डालना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये धान डाल रहा है, देखो ये देखो कैसे कितना स्पीड में घूम रहा है। ये देखो ये भी मास्क पहना हुआ है, देखो देखो ये देखो पोहा बन के तैयार हो रहा है धीरे धीरे, जो धान डाला था वही पोहा बन रहा है अभी। देखिए अभी ये देखो बिल्कुल बनने वाला है, अभी बन गया मतलब, और धान डाला पोहा बन गया। यही है, सिंपल है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, लोगों को पता नहीं होता इतना कहाँ पे बनता है क्या बनता है। इसमें बस करंट का खर्चा है, तो अगर आप अपने घर में सेटअप लगाना चाहते हो ये मशीन खरीद सकते हो। इसका कॉस्ट 2 से 3 लाख का होगा। ये देखो पोहा बन के तैयार हो गया। इस टाइप का और भी मशीन है जिसमें आटा गूंथते हैं, और ये देखो बन के तैयार हो गया। ये इसको रख दिया, देखो बन के तैयार एकदम का, जो आप मार्केट से लाते हो वही पोहा है, देखो एकदम तैयार। तो गाइस अगर ये मेरा चैनल ये अगर अच्छा लगा ये वीडियो, तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और डालते रह सकता हूँ।